पढ़ाई शुरू करते हैं आप लोग। जिन बच्चों के पास किताबें हैं तो वो अपनी किताब निकालें और शुरू करिए। कक्षा दसवीं हिंदी में पढ़ रहे हैं काव्यखंड, और काव्यखंड में राम लक्ष्मण परशुराम संवाद में आगे के पदों की हम वाचन करेंगे और व्याख्या को देखते हैं। अब है पद 5। इसके पहले हमने पद 1, 2, 3 और 4 पढ़ा था, जिसमें हमने देखा था कि शिव जी का धनुष तो तोड़ दिए जाने पर परशुराम जी क्रोधित होते हैं और उनका लक्ष्मण जी और राम जी से जो संवाद हुआ है उसको हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं। तो पद 5 का वाचन करते हैं। तुम तो कालू हाँक जनु लावा, बार बार मोहि लागी बुलावा। सुनत लखन के वचन कठोरा, परस सुधार धरे कर घोरा। अब जनि देव दोषी मोहि लागू, कटुपारी बालक बदजो। बाल विलो की बहुत में पाचा, अब यह मन निहार भा साचा। कौशिक कहा क्षमय अपराधु, बाल दोष गुण गनहिन साधु। खर कुठार में अकरुन कोही, आगे अपराधी गुरु द्रोही। उतर दे तु छोड़ो बिनु मारे, केवल कौशिक सील सुतुम्हारे। न तो यही काटी कुठार कुठारे, गुरही उरही होते श्रम थोड़े। बाद सुनु कह हृदय हसी, मुनु की हृदय सूझ। आय मैं खांड न मुख मैं अजम, न बूझ अबूझ। अब इसके कठिन शब्दों के अर्थों को देखते हैं। तो काल का मतलब मृत्यु, हाँक का जबरदस्ती, लावा ला रहे हो, मोहि लागी मतलब मेरे लिए बुलावा, बुलाना या बुलाकर, सुधारी जिसको सुधार कर ठीक किया। फिर धरे हो मतलब धारण किए हुए, कर का मतलब होता है हाथ या हस्त। बहुत भयंकर दोष, मोहि मतलब मुझे, कटुवादी मतलब कटु मतलब जो कठोर वचन बोलने वाला। बगजोगु मतलब मारने योग, विलोकी देखकर, ये यह मरनिहार मरने वाला, मरनिहार मतलब मरने वाला। साचा सही में या सचमुच, क्षमी क्षमा करे, अपराधु अपराध या दोष। गिनही गिनते हैं, महत्व देते हैं। साधु यहाँ पर साधु का तात्पर्य है सज्जन। खर का तेज और अकरुण मतलब करुणा ही। को ही क्रोधी गुरु द्रोही, गुरु के से द्रोह करने वाला, गुरु द्रोही गुरु से द्रोह करने वाला। उत्तर मतलब उत्तर, सील नम्र स्वभाव का। गुरु ही मतलब गुरु से, उरिन मतलब ऋण या कर्ज से मुक्त होना, थोड़े मतलब कम। गाधी सुनो गाधी पुत्र विश्वामित्र, गाधी सुनो मतलब गधी पुत्र विश्वामित्र। हरि यारे हरा ही हरा, सूझ दिखाई देना। अयमय, अयमय मतलब लोहे से बना हुआ। फिर है खांड या खड़ा, जिसको तलवार बोलते हैं, और गन्ने से मीठा खाद्य पदार्थ। खांड मतलब तलवार और खड़ मतलब, खांड मतलब गन्ने के रस से बना मीठा खाद्य पदार्थ और खड़ग मतलब तलवार। उखमय मतलब गन्ने से बनी हुई। अजम अभी तक, और अबूझ मतलब ना समझ। अब हम इसकी व्याख्या या भावार्थ को देखते हैं। ये है व्याख्या। आप तो
जैसे बार बार आवाज लगाकर काल को मेरे लिए बुला रहे हैं। या कौन बोल रहा है? लक्ष्मण जी इससे बोलते हैं परशुराम जी से कि आपको क्या कर रहे हैं, बार बार तेज आवाज में बोलकर काल को मेरे लिए बुला रहे हैं। और लक्ष्मण जी के इस प्रकार कठोर वचन को सुनकर परशुराम जी ने अपने फरसे से को संभाल कर अपने हाथ में पकड़ लिया। क्या किया? जब लक्ष्मण जी ने बोला कि आप बार बार ऐसी ऊंची आवाज में बोलकर क्या मेरे लिए आप काल को बुला रहे हैं, तब परशुराम जी ने क्या किया, अपने फरसे को संभालते हुए हाथ में अच्छे से पकड़ लिया और कहने लगे कि अब लोग मुझे दोष ना देना। क्या बोले परशुराम जी? कि अब लोग मुझे दोष ना देना, क्योंकि यह कटु वचन बोलने वाला बालक मारने के योग्य है। क्या है? लक्ष्मण जी के लिए बोलते हैं कि ये जो कड़वे वचन कटु वचन बोल रहा है बालक लक्ष्मण, क्या है, मारने के योग्य है। इसे बालक समझकर मैंने बहुत बचाया, किंतु अब यह सचमुच मरने को ही आ गया। मैं कितना बचाऊं इसको, कितना बालक मान के इसको छोड़ूं, पर यह क्या हो गया, सचमुच में मरने आ गया। अब इसे मारने से कोई नहीं बचा सकता। और विश्वामित्र जी ने कहा कि अपराध क्षमा कीजिए। विश्वामित्र जी ने किससे कहा कि अपराध क्षमा कीजिए? परशुराम जी से कहा कि लक्ष्मण का अपराध आप क्षमा कीजिए, वह तो अभी नासमझ बालक है। सज्जन बालकों के दोष और गुण नहीं गिना करते। जो सज्जन पुरुष होते हैं वो नादान नासमझ और बालकों के गुण दोष और गलतियों को नहीं गिनते। परशुराम जी बोले यह सुनकर कि मुझ पर दया रहित और क्रोध के सम्मुख यह गुरुद्रोही उत्तर दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि परशुराम जी ने क्या बोला कि विश्वामित्र जी के गुरुद्रोही, लक्ष्मण जी जब दंडता कर रहे हैं तो वो क्या है, गुरुद्रोही हो गए। इतना होते हुए भी इसे बिना मारे छोड़ रहा हूँ। हे विश्वामित्र, केवल तुम्हारे शील और प्रेम के कारण, अन्यथा मैं इसे इस कठोर कुठार से काटकर थोड़े ही परिश्रम से गुरु के ऋण से मुक्त हो जाता। क्या बोलते परशुराम जी की? हे विश्वामित्र, आपके कहने पर आप जो हमसे सज्जनता पूर्वक आप बोल रहे हैं, आपके प्रेम और सज्जनता के कारण मैं इसको छोड़ रहा हूँ। फिर विश्वामित्र ने यह सब सुनकर हृदय में ही हंसकर कहे, मुनि को सर्वत्र हरा ही हरा सूझ रहा है। वह सर्वत्र विजयी होने के कारण लाल राम लक्ष्मण को साधारण क्षत्रिय ही समझ रहे हैं, क्योंकि विश्वामित्र जानते थे कि राम और लक्ष्मण तो पहले से ही ईश्वर का अवतार है, परंतु परशुराम जी अपने क्रोध के कारण यह सब नहीं देख पा रहे थे। किंतु यह लोहे से बनी हुई हार है, यह कोई ऐसी हार नहीं जो मुंह में लेते ही पिघल जाएगी। तो खेद है मुनि, अब भी ना समझ है, इनके प्रभाव को नहीं समझ रहे हैं। यह राम और लक्ष्मण इतने साधारण मनुष्य नहीं हैं जितना कि परशुराम जी उनको साधारण मनुष्य समझ रहे हैं। ये तो असाधारण है, यह तो क्या है, ईश्वर के अवतार हैं। अब हम देखते हैं आगे का पद, पद 6। कहो लखन मुनि सील तुम्हारा को नहीं जान विदित संसारा, माता पिता ही उरिन भय नीके, गुर रिनु रहा सोच बड़ जीके, सो जानो हमने ही माथे काढ़ा, दिन चली गए ब्याज। अब
व्यवहारी बोली, तुरंत देव में थैली खोली। सुनी कटु वचन कुठार सुधारा, हाय हाय सब सभा पुकारा। रघुवर परसु देखा बहु मोही, विप्र विचार बचौ नृप द्रोही। मिले न कबहु सुभट रथ काढ़े, द्विज देवता घर ही के बाढ़े। अनुचित कही सबु लोग पुकारे, रघुपति सहन ही लखन निवारे। लखन उतर आहुति सरसी, रघुवर कोपु कृषाणु। बढ़क देख जन सब वचन, बोले रघुकुल भानु। अब हम इसके कठिन शब्दों के अर्थों को देखते हैं। विदित का मतलब जानता है, उरिन दिन से मुक्त, भय हुए या हो गए, नी के अच्छी तरह। और बुर रिनु मतलब बुरुते रिन, सोचु मतलब चिंता, काढ़ा मतलब निकालना, ब्याज सूत, बाहा मतलब बढ़ गया, आने मतलब आओ, व्यवहारीय मतलब हिसाब करने वाला, सुधार संभाल लिया। रघुवर रघुवंश में श्रेष्ठ परशुराम। विप्र ब्राह्मण बचाओ मतलब बचा रहा हूँ। नृप द्रोही राजाओं के शत्रु, नृप मतलब राजा और द्रोही मतलब शत्रु, तो नृप द्रोही राजाओं के शत्रु। कबहु कभी सुभट मतलब योद्धा, युद्ध करने वाला। गाढ़ है अच्छे, ब्रज देवता ब्राह्मण देव, घर ही घर में ही, सह नहीं आंखों के संकेत से। ने हारे ने वारे मना कर दिया, सरिस मतलब समान, कोपु मतलब क्रोध, कृषाणु आप, और रघुकुल भानु तो रघुकुल के सूर्य अर्थात राम। रघुकुल के भानु, भानु का पर्यायवाची होता है सूर्य, रघुकुल भानु मतलब रघुकुल के सूर्य अर्थात श्री राम। अब बच्चों, अब हम इसकी इस पद का भावार्थ या व्याख्या देखते हैं। व्याख्या, लक्ष्मण जी ने कहा कि हे मुनि श्रेष्ठ, आपके स्त्रील को कौन नहीं जानता। किसने कहा? लक्ष्मण जी ने कहा कि हे मुनि श्रेष्ठ, आपके सील को कौन नहीं जानता। यह तो पूरे जग में प्रसिद्ध है, यह तो पूरा संसार जानता है, यह तो पूरे जग में प्रसिद्ध है। आप माता पिता के ऋण से तो अच्छी तरह मुक्त हो गए, अब गुरु ऋण शेष रहा है। क्या बोला? कि आप माता पिता के जो ऋण था उससे तो आप मुक्त हो गए, परंतु अभी कौन सा ऋण बचा है? अभी गुरु ऋण शेष बचा है। जिसकी सोच ने आपके मन को बहुत ही व्याकुल कर रखा है, वह मानो हमारे ही मां से बड़ा था। बहुत अधिक दिन बीत जाने के कारण हमारे ऊपर ब्याज भी बहुत बढ़ गया है। क्यों? बहुत दिन हो गए तो क्या हो गया उस चीज का? हमारे ऊपर क्या हो गया है? ब्याज भी बहुत बढ़ गया है। अब आप किसी हिसाब करने वाले को बुला लाइए, मैं तुरंत ही थैली खोल कर क्या कर दूंगा, पूरा हिसाब कर दूंगा, और जो ऋण है वह उसको क्या करूंगा, चुका दूंगा। लक्ष्मण जी के इस प्रकार के कटु और कठोर कड़वे वचन सुनकर परशुराम जी ने कुठार संभाला। कुठार संभाला जो उनका शस्त्र अस्त्र शस्त्र था उसको फरसा, परशुराम जी का क्या था? फरसा था। उन्होंने क्या किया? उस फरसे को संभाला और पूरी सभा हाय हाय।
परशुराम जी ने अपना खर्चा संभाला और उनके ऐसा करते ही जो पूरी सभा थी वह हाय हाय करके चिल्लाने लगी, पुकारने लगी। लक्ष्मण जी ने कहा कि हे प्रभु श्रेष्ठ, आप मुझे बार बार फरसा दिखा रहे हैं, क्या डरा रहे हैं क्या? पर हे राजाओं के शत्रु, मैं आपको ब्राह्मण समझकर बचा रहा हूँ। आपको कभी बलवान वीर योद्धा नहीं मिले हैं क्या? लक्ष्मण जी क्या बोलते हैं कि हे प्रभु श्रेष्ठ, हे मुनि श्रेष्ठ, आप मुझे अपना बार बार ये कुठार फरसा दिखा क्यों रहे हो, क्या डरा रहे हो? पर हे राजाओं के शत्रु, मैं तो आपको एक ब्राह्मण समझकर क्या कर रहा हूँ, आपका सम्मान कर रहा हूँ, आपको बचा रहा हूँ। और आपने कभी बलवान योद्धा नहीं देखे क्या, या आप उनसे कभी मिले नहीं हो? तो हे ब्राह्मण देवता, आप घर में ही बड़े हैं, आप घर में वीर योद्धा हो। यह सुनकर सभा में उपस्थित सभी लोग कहने लगे, यह अनुचित है, यह अनुचित है। उसी समय श्री रघुनाथ जी ने आंखों के इशारे से लक्ष्मण जी को रोक दिया। क्या किया रघुनाथ जी? यहाँ पर किसको बोला है? श्री राम जी को रघुनाथ जी बोला है। ऐसा श्री राम ने क्या किया? आंखों से इशारा किया कि लक्ष्मण अब तुम शांत हो जाओ, अब मत बोलो। लक्ष्मण जी के उत्तर आहुति के समान थे। कैसे थे लक्ष्मण जी के? आहुति के समान, मतलब कि कड़वे वचन थे उनके, कठोर कटु वचन। जिनसे परशुराम जी के क्रोध रूपी अग्नि को बढ़ते देखकर रघुकुल के सूर्य श्री राम जी ने जल के समान शांत करने वाले मधुर वचन बोले थे। लक्ष्मण जी के आहुति मतलब क्या थे? वचन कड़वे थे। उनके वचन सुनकर क्या हुआ था? परशुराम जी का क्रोध बढ़ रहा था और उनके इस क्रोध को बढ़ता हुआ देखकर रघुकुल भानु मतलब रघुकुल के सूर्य श्री रामचंद्र जी ने जल के समान शांत करने वाले अपने मधुर वचन बोले और क्या किया कि लक्ष्मण जी को इशारा किया कि अब हे लक्ष्मण तुम शांत हो जाओ। तो बच्चों, आज हमारा यहीं पर समाप्त होता है। आप इसको अच्छे से कॉपी में नोट करेंगे, लिखेंगे और याद भी करेंगे।